आज हम आपको दिल्ली पुलिस के एक ऐसे अफसर के बारे में बताएंगे जिसकी बॉडी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक शर्मा की। शर्मा अभी मंडोली जेल में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट पद पर तैनात है। दीपक शर्मा की पर्सनालिटी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं है, इसी वजह से उन्हें बाउंसर के नाम से भी बुलाया जाता है। उनकी फिजिक किसी हीरो से कम नहीं है। दीपक शर्मा की मजबूत कद काठी को देखकर कैदी भी कांपते हैं। दीपक शर्मा अपने पुलिस की ड्यूटी से समय निकालकर अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं। रोजाना 4 से 5 घंटे वर्कआउट करते हैं। दीपक का फौलादी शरीर देखकर ये साफ पता चलता है कि वे अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हैं। दीपक शर्मा दिल्ली के ही रहने वाले हैं, उनकी पढ़ाई भी दिल्ली में हुई है। उन्होंने 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से बीए किया। इसके बाद 2009 में उनका चयन दिल्ली पुलिस में हुआ। वे तिहाड़ जेल में बतौर असिस्टेंट जेलर भर्ती हुए थे। दीपक शर्मा 2013 से फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। वे घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। दीपक देश भर में आयोजित होने वाली बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। वो अभी तक कई मेडल जीत चुके हैं। शर्मा मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, YMCA में भी मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मिस्टर इंडिया में पिछले साल गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में दीपक ने मिस्टर ऑल इंडिया सिविल सर्विस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। इसमें 25 राज्यों के सिविल सर्विस के अफसरों ने भाग लिया था। यहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।